हेलो फ्रेंड्स, किवें हो सारे? हाँ जी, मेरी लास्ट वीडियो में तुसीं 8th क्लास का काम किया, सिक्स एक्सरसाइज कर रहे थे, आपां 6.1 ओवर हो चुकी सी। हाँ जी, स्केयर ते स्केयर रूट चल रहा है अपना टॉपिक। अज मैं नवी एक्सरसाइज लैके आया थोड़े लिए। हाँ जी, जे वीडियो चंगी लगे तो तुसीं इसनू लाइक जरूर करना, शेयर करना ते कमेंट करके जरूर दसना, ठीक है जी। हाँ जी, आपां शुरू करन जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.2 8th क्लास। एक होर चीज़ है, ये CBSE बोर्ड के स्टूडेंट्स, पंजाब बोर्ड के स्टूडेंट्स दोनों देख सकते हैं, प्लस ETT कैंडीडेट भी देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अपने को 6th to 10th क्लास का मैथ भी ये पूछा जाएगा। हाँ जी, शुरू करते हैं किसी बिना किसी देरी तो। हाँ जी, जिदे फस्ट क्वेश्चन है, फाइंड द स्केयर रूट, सॉरी स्केयर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। देखो जी, स्केयर की होंगे, मीनस आप 32 का स्केयर फाइंड आउट करना, ठीक है जी। 32 का स्केयर फाइंड आउट करना मीनस इसनों की कर सकते हैं, 32 मल्टीप्लाई 32 भी कर सकते हैं, सिंपल जस्ट मल्टीप्लाई करके देख लेना, मल्टीप्लाई तो करनी आती होगी अपन। ठीक है जी, 1024 आ गया अपने को। ये होर की एक होर ईजी मैथड कर सकते हो तुम, 32 आप लिख सकते हैं, 30+2 लिख सकते हैं, मीनस 32 का आप स्केयर फाइंड आउट करना, मीनस यदा स्केयर फाइंड आउट करना। फॉर्मूला बन गया A+B का होल स्केयर, A+B का होल स्केयर कि इक्वल होंगे A² + B² + 2AB। हाँ जी, ए की वैल्यू कि 30 और स्केयर कर दें, बी कि अपने को 2² + 2 मल्टीप्लाई, ए की वैल्यू कि 30 मल्टीप्लाई बी की वैल्यू कि अपने को 2 है, ठीक है ना। ये अपने को कि आ गया 900+4+120, इन्हों प्लस करके देखोगे तो अपने को 1024 ही आएगा, ठीक है जी। चाहे तुसी सिंपल मैथड अप्लाई कर लो, चाहे तुसी फॉर्मूला लगा के अप्लाई कर लो, दोनों ही मैथड थोड़े करैक्ट होणगे, दोनों विच केसिस विच आंसर सेम आएगा। क्लियर है जी। नेक्स्ट करते हैं आप 35। हाँ जी, 35 का स्केयर कर लो। हाँ जी, 35 नू 35 नाल मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है जी। अपने को 1225 आ गया। जो आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करिए लिख सकते हैं, 35 नू की लिख सकते हैं, 30+5 का स्केयर। हाँ जी, फॉर्मूला ओपन कर दो, A² + B² + 2AB तो कि आ गया अपने को 900+25+300, प्लस करके देखोगे अपने को 1225 ही आएगा। क्लियर है जी। हाँ जी, जे वीडियो पसंद लग रही है तो तुसी इसनू एक लाइक जरूर बनदा, ठीक है जी, एक लाइक जरूर कर दिया करो, यही मोटिवेशन मैनू मिलती रहेगी ते आने वाली होर भी वीडियो थोड़े लिए इंटरेस्टिंग होणगियां, ठीक है जी। नेक्स्ट करते हैं 86 दा स्केयर करना है, इट मीनस 86 मल्टीप्लाई 86। हाँ जी, 86 नू 86 ना मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है जी, इन्ना आ गया अपने को। मल्टीप्लाई वगैरह देख लेना तुसी, जिन्हों आप 86 का स्केयर लिखना है मीन इन आप 80+6 लिख सकते हैं, द होल स्केयर की बन जूगा A² + B² + 2AB। क्लियर है। ये अपने को कितना बन गया जी, 6400+36+
ठीक है जी, ये अपने को 7396 ही बन गए। क्लियर है? हाँ जी, उम्मीद करना थोनों ये टॉपिक समझ लग गई होगी। ये नाल दे तुसी फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ पार्ट तुसी आप करना है, तो आप करके कमेंट बॉक्स से जरूर कमेंट करके दसना भी फोर्थ फिफ्थ ते सिक्स्थ पार्ट का आंसर की आ रहा है। आप नेक्स्ट टॉपिक लैके चलते हैं। हाँ जी, हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन राइट है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट हूज वन मेंबर इज, देखो जी पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ट्रिपलेट का की मतलब है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट के तीन मेंबर होंगे है, केड़े केड़े हो सकते हैं। एक तो अपने को टू एम होंगे, एक अपने को एम स्केयर प्लस वन, एक अपने को एम स्केयर माइनस वन, ये अपने को तीन मैंबर होंगे है, इसको आप पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहने हैं। जिदे विच्चों एक नंबर आपको दिता हुआ सिक्स है, फिर की अपने को 14 है, 16 है, 18 है, आप ट्रिपलेट दसने हैं भी किहड़े नंबर ट्रिपलेट होणगे। हाँ जी, फस्ट पार्ट करते हैं, सिक्स है अपने को। देखो जी, आप मान लें लैट द ट्रिपलेट इज 2m, एम स्केयर प्लस वन, एम स्केयर माइनस वन। हाँ जी, जे तीन ट्रिपलेट है तो आप टू एम फस्ट वैल्यू में इको रख दिए, क्योंकि फस्ट मैंबर दिता हुआ। हाँ जी, टू एम इज इक्वल टू सिक्स, एम की वैल्यू फाइंड कर लो, अपने को कितना आ गया जी, एम की वैल्यू थ्री आ गई। हाँ जी, फस्ट मैंबर अपने को कितना सी, टू एम सीगा, अपने को टू मल्टीप्लाई थ्री मीन सिक्स। देखो जी, सिक्स दिती हुआ सी, अपने को सिक्स आएगा ही आएगा, ठीक है। सैकेंड मैंबर की सी अपने को एम स्केयर प्लस वन, एम की वैल्यू कितनी है अपने को थ्री, मीनस थ्री का स्केयर प्लस वन, नाइन प्लस वन मीन अपने को टेन आ गया। थर्ड मैंबर अपने को एम स्केयर माइनस वन, थ्री स्केयर माइनस वन मीन नाइन माइनस वन एट, ठीक है जी। ये अपने को कितने आ गए जी, तीन ट्रिपलेट आ गए जी, ठीक है जी, तीन ट्रिपलेट मैंबर आ गए। सैकेंड अपने को 14 है, सेम आप तीन नंबर लैके चलीए, टू एम 14 दे इक्को रख लो, एम की वैल्यू कढ़ लो, 14 डिवाइड बाय टू, तो अपने को एम की वैल्यू कितनी आ गई जी, 7 आ जाएगी एम की वैल्यू, ठीक है। हुण फस्ट मैंबर 2m होंगे, 2 मल्टीप्लाई 7 मीनस 14, देखो 14 गिवन सीगा, तो अपने को एक मैंबर का कहता ही पैना हूज वन मैंबर इज, फस्ट मैंबर का पता ही अपने को 14 है। एम की वैल्यू फाइंड आउट करने वास्ते आप ट्रिक यूज करते हैं। सैकेंड मैंबर कितना अपने को एम स्केयर प्लस वन, सैवन स्केयर प्लस वन मीनस 49 प्लस वन मीनस अपने को 50 आ गया। थर्ड मैंबर एम स्केयर माइनस वन, एम स्केयर एम की वैल्यू कितनी है 7, द स्केयर माइनस वन, 49 माइनस वन मीनस 48 आ गया। क्लियर है? हाँ जी, नेक्स्ट करते हैं आप थर्ड पार्ट, इन रेज कर दें। हाँ जी, थर्ड पार्ट अपने को 16 है, आप फिर लैट कर लें, लैट 2m एम स्केयर माइनस वन, एम स्केयर प्लस वन की है ट्रिपलेट है, मैंबर है, 2m 16 दे इक्को रख लो, एम की वैल्यू कट लो, 2 8 16, एम की वैल्यू कितनी आ गई जी अपने को 8 आ गई। फस्ट मैंबर अपने को 2m है मीनस 8 मल्टीप्लाई टू 16, देखो जी फस्ट मैंबर तो आ ही गया 16। सैकेंड कितना अपने को एम स्केयर माइनस वन मीनस 8 स्केयर माइनस वन, 64 माइनस वन मीन 63 आ गया। थर्ड मैंबर एम स्केयर प्लस वन, 8 स्केयर प्लस वन, 64 प्लस वन मीन्स अपने को 65 आ। क्लियर है? हाँ जी, लास्ट पार्ट अपने को एक्सरसाइज का 18 है, बस डायरेक्ट करन लगे हैं, 2m इज इक्वल टू 18, m की वैल्यू कितनी आ गई 18 बाय 2, m की वैल्यू अपने को 9 आ गई, ठीक है जी। हाँ जी, अपने को फस्ट मैंबर 2m सीगा, 2 मल्टीप्लाई 9 मीन 18 आ गया।
सैकेंड मैंबर अपने को कितना सीगा एम स्केयर माइनस वन नाइन स्केयर माइनस वन एट्टी वन माइनस वन मीन अपने को 80 आ गया सेकंड मेंबर। थर्ड अपने को की सीगा एम स्केयर प्लस वन नाइन स्केयर प्लस वन एट्टी वन प्लस वन अपने को 82 आ। क्लियर है जी। ये टॉपिक इत्थे खत्म हुंदा है। जे तुहानू ये वीडियो पसंद आई है तो इसनू प्लीज़ लाइक कर देना, इसनू वध तों वध शेयर करना, तो जो नवे कैंडिडेट फस्ट टाइम देख रहे हैं प्लीज़ इसनू सबसक्राइब करना। अपना गुप्ता अकैडमी चैनल है यूट्यूब दे उत्ते, जो इसनू देख रहे हैं इसनू वध तों वध अपने कुलीग्स दे विच फ्रेंड्स दे विच शेयर करना तां जो ये वीडियो हरेक कैंडिडेट तक पहुँच सके। नाल एक होर इनफॉर्मेशन है, ये नाल नाल अपना ADD का काम भी चल रहा है, प्लस मास्टर कैडर मैथ की तैयारी भी चल रही है। बहुत सारिया वीडियो अपलोड कीतिया हुई हैं, तुसी गुप्ता अकैडमी चैनल ते जाके विजिट करके तुसी मास्टर कैडर से संबंधित कोई भी जानकारी ले सकते हो, कोई भी टॉपिक तुसी देख सकते हो। हाँ जी, आज की वीडियो में इन्ना ही। थैंक यू।